Hello, third class. This is your math subject. Children, today we are going to continue our chapter 6, exercise 6.B. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Let's start our exercise. But before starting the exercise, let us see some important points, relation between multiplication and division. So, yahan par, in these plates, how many plates are there? 3. Okay. And 4 bananas in each plate. Total number of bananas equal to 3 multiply 4 hum kar denge. Okay. So, 12 is our answer. So, 12 bananas 3 plates mein aapko distribute karne hain. Okay. So, aap, 1 plate mein kitne banana put kiya humne? 4. So, 12 divide 3 equal to 4. Now, other side aap dekhenge 12 bananas hain. 4 bananas in each plate mein humne rakhne hain. So, 12 divide 4 equal to 3. So, 3 plates are needed. Okay. Now, multiplication fact hamara jo hai 3 multiply 4 equal to 12 jo humne yahan par kiya tha. Uske humne 2 division fact find kiye hain. So, 12 divide 3 equal to 4. 12 divide 4 equal to 3. Okay. So, most multiplication facts have 2 division facts. Now, properties of division. So, first property is अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा सेम वही नंबर आएगा कोशेंट ओके एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो कोशेंट आएगा उसको वो हमारा 1 होगा नाउ थर्ड प्रॉपर्टी अगर व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द कोशेंट इज 0 ओके एंड फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 13 डिवाइड 0 जो है वो मीनिंगलेस है इसका कोई आंसर नहीं होगा नाउ कम्स नेक्स्ट पेज डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे डिवाइड 54 एंड बाय 9 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल से द टेबल ऑफ 9 टिल यू गेट 54 सो नो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा 9 गोज इंटू 54 6 टाइम्स मीन्स 54 को हमने 9 से डिवाइड किया सो आवर आंसर इज 6 सो यहाँ पर जो डिविडेंट है वो 54 है जो हमारा डिवीजर है वो हमारा 9 है ओके एंड जो हमारा आंसर आया है उसको हम बोलते हैं कोशेंट सो कोशेंट इज 6 नाउ यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 6.B ए पार्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द डैश इज द नंबर इटसेल्फ सो आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट कोशेंट ओके नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन डिवीजन बाय डैश इज मीनिंगलेस सो अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ा था सो हम किससे डिवाइड करते हैं सो हमारा मीनिंगलेस होगा सो 0 मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ कम्स बी पार्ट सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन राइट टू डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट सो ए पार्ट इज 12 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 84 सो यहाँ पर हमने अभी डिवीजन फैक्ट पढ़े थे बेटा 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12 सो इसको हमने 2 टाइप से लिखा था डिवीजन फैक्ट में 12 डिवाइड 3 इक्वल टू 4 किया था एंड 12 डिवाइड 4 इक्वल टू 3 किया था नाउ सेम हम इन दिस क्वेश्चन यूज वी राइट डिवीजन फैक्ट 84 डिवाइड 7 इक्वल टू 12 एंड 84 डिवाइड 12 इक्वल टू 7 नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2 राइट अ मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट सो आपको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट पुट करना है सो ए इज 36 डिवाइड 12 इक्वल टू 3 सो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 36 या हम इसको लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 36 ओके नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 48 डिवाइड 8 इक्वल टू 6 सो मल्टीपल फैक्ट इज 6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 48 ओके नाउ यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेम नाउ थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स सो ए पार्ट इज 14 डिवाइड 1 सो आवर आंसर इज 14 अगर हम 14 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा 14 सो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे बेटा नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 11 डिवाइड 11 हम किसी नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आवर आंसर इज 1 नाउ 0 डिवाइड 30 इज आंसर इज 0 सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द क्वेश्चन सो ए पार्ट इज 32 डिवाइड 8 आपको क्वेश्चन फाइंड करना है इसमें
सो 32 डिवाइड 8 इज 4, सो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे बॉक्स में. ओके एंड बी पार्ट आप देखेंगे 72 डिवाइड 9, सो 9 से डिवाइड करेंगे 72 को, सो 8 इज आवर आंसर. नाउ वी राइट 8 इन दिस बॉक्स. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिवीजर. ए पार्ट इज 48 डिवाइड डैश इक्वल टू 6, आपको यहाँ पर डिवीजर फाइंड करना है. सो 48 डिवाइड 6 हम करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 8. मीन्स इसको फाइंड करने के लिए हमने 48 को 6 से डिवाइड कर दिया, सो हमारा आंसर 8 आ गया. नाउ 55 डिवाइड डैश इक्वल टू 5, सो इसको फिल करने के लिए हम 55 को 5 से डिवाइड कर देंगे, सो 11 इज आवर आंसर. नाउ वी राइट हेयर 11. एंड सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिविडेंड. यहाँ पर आपको डिविडेंड फाइंड करना है. सो ए पार्ट इज डैश डिवाइड 3 इक्वल टू 13. सो इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बेटा, जो हमारा डिवीजर होगा उसको क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 13 मल्टीप्लाई 3 इज 39. सो हम यहाँ पर 39 लिख देंगे. एंड बी पार्ट आप देखेंगे बेटा डैश डिवाइड 12 इक्वल टू 7, सो सेम हम 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 84 इज आवर आंसर. नाउ वी राइट हेयर 84 इन दिस बॉक्स. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ हेयर यू कैन सी आंसर की. फर्स्टली यू डू ऑल क्वेश्चंस yourself and then check your answer with this answer key. So यहाँ पर A part है बेटा first and second question, B part का जो first question है उसके A, B, C and D parts, same second question A से F तक हमारे, and third question A to I and fourth A to I, and comes next page. सो यहाँ पर fifth question है आपका बेटा A से I part तक. Now sixth A to I. Okay. Now student, your exercise is over. Your homework is that you have to write in your notebook. Thank you, students.